सूचना दगर कर्मी रंजन कुमार दास को हत्याकांड सीबीआई तदंत दाबी करी राजरास्ता को ओल्हला आरटीआई कर्मी आपण माने देखि पारथिबे कि आरटीआई ओडिशा सूचना अधिकार अभियान पक्षर गोटे गणधारणा दि जाइछि राज्यपाल दत्तर सम्मुखें ही गणधारणा पूर्व राली नवीन निवास पाख से मेमोरांडम दे जाते कि राली करते बर्तमान पर्यटन किसी सफल मिल ना तो से सहित आलोचना करवा कौन रही दाबी कौन रही जो तीनो दाबी से आणुंच कौन दाबी रही कौन रही मुख्य जो एत प्रमाण से आने कौन पर गिरफ जहाँ जहाँ ना गिरफ्त कर दाबी कर कहीं गिरफ्त कर संपर्क में संपूर्ण आलोचना करवा आज्ञा कौन कह चाहिए जो सूचना अधिकार कर्मी को जो भाई भाव में हत्या कर सीबीआई तदंत दाबी कर राजरास्ता को ओह्लैं पूर्व राली करते आज धारणा बस कौन रही दाबी कौन कौन सब रही कहीं मानने यही जो मैंने जहाँ ना दाबी कर कहीं गिरफ्त कर बास्तव में रंजन दास को एक सुकपीड़ित हत्याकांड रंजन दास को हत्याकांड एवं जिते बड़े हत्याकांड कराई आम स्पॉट विजिट करूँ पारिपार्श्विक स्थिति आम देखी यह गोटे ऑर्गेनाइज करा रंजन को हत्या कराई आमर एटा स्पष्ट धारणा होता है और परिवार तरफ एक हत्याकांड दर्शाई आर तदन कर दोषी मान विरुद्ध कार्यानुषान ग्रहण करने दाबी कराई किंतु दुर्भाग्य कथा हूँ जेहेतु रंजन हत्याकांड एक राजनैतिक हत्याकांड एवं रंजन जेहेतु बहुत दुर्नीति संपर्क में अभियोग आणु करुले बहुत तथ्य लोकलोचन आणुले से शासक दल मान जो दुर्नीति भ्रष्टाचार लोकलोचन आणुले तेणु षड्यंत्र एक हत्याकांड कर बोल कि आमर स्पष्ट धारणा रही से आम बारंबार डिमांड करूँ केन्द्रापड़ा पुलिस संपृक्त तेणु केन्द्रापड़ा पुलिस पर तदन कर राज्यर बछा बछा पुलिस अधिकारी नहींक्र क्राइम ब्रांच को लेकर तदन करें से दायपत्र मुख्यमंत्री भी देखू निजे क्राइम ब्रांच आडिशनाल डीजी समयंत प्रियदर्शी की मत भी तार बापा आसिक मत भेटिकी भी कही किंतु दुर्भाग्य कथा हो क्राइम ब्रांच यार तदन कला ना कि डीजी पुलिस तरफ कौन से निर्देश दिगला नहीं केन्द्रापड़ा पुलिस जो मैंने कि हत्याकांड पक्ष अच्छा निजे एसपी निश्चितशेखर एवं जे स्थानीय विधायक जे अतुल सब्यसाची नायक एमाने ये हत्याकांड पछरे अच्छा जानी जो मैंने रही शासक दल गुंडा मैंने से मैंने बुली बुली कहते आम मारिचु तुम आम कौन कर बापा ये संपर्क दुईट मतलब अभियोग करेणु कौन तदन है तेरे घटनाटा कि रफादफा करदे चपीदेबा शासक दल प्ररचन निर्देश में आज एसपी नीतिशेखर जी थे सी कम कर आमर ये ओडिशा पुलिस तदन कले तार कौन नया तार पर रंजन पाइब आमर से विश्वास ना तेना आम 14 तारीख दिन आसलू मुख्यमंत्री की भेटापी कि मुख्यमंत्री सहित आम भेट है आमको पुलिस आरेस्ट कले आलाउ कले नवीन निवास जावाई आम बर्तमान आसीचु राज आज राजभवन बाहर धारणा देचु आज राज्यपाल को भेट पूर्व मुख्यमंत्री को भेटापी दावीपत्र मुख्यमंत्री सहित देखा पार ना जहाँ गिरफ्त यदि कह तो आज राज्यपाल को भेटापी आदि कह सहित कौन रग को कार्य पंथा कौन रमी जदि मुख्यमंत्री को देखा भेट हो पार नहीं राज्यपाल सहित आज भेट जो भाव में आज राज्यपाल पाख आसबे से मेमोरांडम देवे आ कौन रही आग को कार्यपंथा कौन रही जदि ए विषय किसी गोटे तो सुफल न मिले कौन हम आग नहीं बर्तमान देखो दुई दुई थर जेकोसी ओडिशा पुलिस क्राइम ब्रांच एम को आम आम दाबीपत्र सारी से किसी सुफल मिलूनी एवं सबुठ अधिक जाइका ओडिशा सरकार जी एसआईटी एसआईटी वर्तमान दुईटा केस कुंदुली केस आउ परी केस रु जा सारे जे एसआईटीटा कौन पर फर्मेसन कराए आम गवर्नर को देव सीबीआई इनक्वारी करने जदि ये किसी नाला तो सूचना अधिकार ओसा तरफ अभियान तरफ ओसा तरफ आम मानने हाइकोर्टे द्वारस्थ हो एसआईटी केस देखा परी घटनार तदंत एपर्तंत भी गोटे सठिक तदंत बाहरी पारिना कि जी रही दोषी रही बर्तमान पर्यटन खोजा जा पारना आपण को केस एसआईटी दि जाए तो सुफल मिले भाव ना ना सुफल के मिलनी शुणु आ पूर्व आम कह दरकार ना प्रदीप प्राणीग्राही निजे कही सारी जे कौनसी केस को दबेबा को थिबो बा निर्दोषी को दोष प्रमाणित करके फसेबा को थिबो तो क्राइम ब्रांच बा सरकार एसआईटी को दि जाऊँगी सी तांकर ही जने विधायक बीजेडी दल रही तेणु एठू आम अनुमान करूँ वर्तमान जो भाई भाव में हो क्राइम को रोकवाई जो पुलिस बाहन गठन करा निजे ही क्रिमिनाल ग्रुप पाल्टी जाइंट परी केस रे जेहेतु केस को गोटे अलग रूपरेखा दि जाऊँगी गप शुणा जा
ଯାହାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛୁ ଟିକେ ବି ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ ଏଇ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବି ରଞ୍ଜନ କେସ୍ରେ ବି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବାଟବଣା ଅଲରେଡ଼ି କରାସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। କେମିତି ନା ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥାଇକରି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ସେଠି ପୋଲିସ ତାକୁ କହୁଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ରୂପ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଛି, ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହେଲା। ଯଦିଓ ସେହି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସେହି ଜାଗାରେ ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି ନାହିଁ, ଜଣକୁ ମାରିକିରି ଆଣିକି ସେଠି ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ପକାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରେ, ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହୁଏ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇକିରି କି ମାଡ଼ ହେଇକିରି, ଏଇଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିବେ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଡ଼ଟା ଜଣେ ପଛପଟୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଲା କିମ୍ବା ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପୋଲିସଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ତ ଡକ୍ଟରକୁ କୁହାଯାଇକରି ଏ ରିପୋର୍ଟଟା କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ୟାରି ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଜମା ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଲୋକାଭିମୁଖ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କି କ୍ରିମିନାଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କି କ୍ରାଇମ୍କୁ ଆହୁରି କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ସରକାର। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆମ ଚେଷ୍ଟା କରି ଜାରି ରଖିଛୁ, ଦେଖାଯାଉ ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିବ।